दोस्तों, इस वीडियो में हम पैराफाइमोसिस के बारे में बात करने वाले हैं। पैराफाइमोसिस जो है वो सुनने में बिल्कुल फाइमोसिस जैसा लगता है, यानी फाइमोसिस मतलब लिंग के आगे की जो चमड़ी है वो टाइट होना। तो पैराफाइमोसिस दोस्तों, उसमें क्या होता है कि जब हम लिंग की चमड़ी को पीछे लाके अगर छोड़ देते हैं गलती से, जैसे कि कभी कभी सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद हम उसको प्रॉपरली क्लीन करके आगे नहीं करते सोने से पहले, तो सुबह आप देखेंगे कि उसके आसपास जो सब कुछ जो स्किन है वो पूरा सूज जाएगा और फिर बहुत पेनफुल हो जाएगा टिपिकली वो। और क्योंकि आगे का ग्लैंड एक्सपोज रहेगा तो एक पेनफुल सी कंडीशन होगी जिसमें दवाइयाँ, क्रीम, ये सब चीज़ें काम नहीं कर पाएंगी और तुरंत आपको एक इमरजेंसी में एक यूरोलॉजिस्ट के पास या किसी सर्जन के पास जाना होगा जो इस पैराफाइमोसिस को फिर रिड्यूस कर देंगे। तो अब हम समझते हैं पैराफाइमोसिस जो है ये क्यों होता है। तो दोस्तों, हमारी जो फोर स्किन होती है, यानी जो लिंग के आगे की चमड़ी होती है, इसमें एक स्पेशल ब्लड वेसल्स होते हैं, इनको हम लिम्फैटिक्स कहते हैं। और इसके अलावा उसमें नॉर्मल ब्लड वेसल्स जो खून ले जाती हैं और जो वेन्स जो खून को वापस लाती हैं वो भी होती हैं। तो जब हम स्किन को पीछे करते हैं और आपको कोई भी टाइटनेस है इस फोरस्किन में, जिसको हम काफ़ी बार फाइमोसिस कहते हैं, तो जो खून का प्रवाह है, जो हमारे से लिम्फैटिक्स है उनका प्रवाह है, वो ब्लॉक हो जाता है। यानी कि उसमें खून आएगा तो सही लेकिन प्रॉपरली वापस जा नहीं पाता और धीरे धीरे करके वहाँ पे फिर पानी इकट्ठा होना शुरू होता है। इसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं और ये इकट्ठा होते होते वो पूरा जो स्किन होता है वो फूल के एक गुब्बारे जैसा हो जाता है। इसके बाद अगर ये सीवियर हो जाए बहुत दिन तक, अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ दें या आप सोचें कि ये अपने आप कम हो जाएगा और वेट करते चलें, तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ की ब्लड सप्लाई काफ़ी हद तक कम हो जाए और लिंग आगे से काला भी पड़ सकता है। इसलिए अगर आपको लगता है कि स्किन आगे नहीं जा रही है और एकदम से फूल रही है, तो आपको तुरंत एक यूरोलॉजिस्ट या एंड्रोलॉजिस्ट या किसी सर्जन के पास जाना होगा। जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो पहले तो आपका डायग्नोसिस बनाया जाएगा। उसको सिर्फ देखने से ही हम पहचान सकते हैं कि ये पैराफाइमोसिस है या फाइमोसिस है या कोई और तरह की स्वेलिंग है। बहुत बार कीड़ों के काट जाने से, कोई एलर्जी होने से भी स्वेलिंग्स आ सकती हैं, या कोई वहाँ पे अगर बॉयल हो जाए या फोड़ा हो जाए तो भी ऐसी स्वेलिंग आ सकती है। बट क्योंकि पैराफाइमोसिस जो है पूरे ग्लैंड्स के पीछे की स्किन अटकी रहती है उसमें और पूरे एक डोनट जैसा होता है, पूरा राउंड सर्कल होता है, तो हम देखते ही समझ जाते हैं कि ये पैराफाइमोसिस है। और ऐसे में फिर मैनुअल रिडक्शन की सलाह देते हैं, यानी कि इस पैराफाइमोसिस को हम रिड्यूस कर सकते हैं एक स्पेशल एक्सरसाइज द्वारा। और इसके लिए हम यूजुअली पेशेंट को ऑप्शन देते हैं कि या तो आप साथ साथ चमड़ी भी हटवा सकते हैं या सिर्फ आप इस पैराफाइमोसिस को रिड्यूस करा सकते हैं, और फिर आगे चल के अगर ये दिक्कत करे या फाइमोसिस बढ़े तो फिर आप इसका परमानेंट ट्रीटमेंट सर्कमसीजन द्वारा करा सकते हैं। अब पैराफाइमोसिस को रिड्यूस करने के 2-3 तरीके होते हैं। सबसे आसान तरीका है कि हम एक जेल लगाते हैं जो सुन करने का जेल होता है, और उसके बाद अंगूठे को ग्लैंड्स में डाल के स्किन को आगे की तरफ खींच लेते हैं। यूजुअली अगर ये पैराफाइमोसिस बहुत पुराना नहीं है, बहुत रीसेंट है, तो करीब 1 मिनट के अंदर अंदर ये रिड्यूस हो जाता है। लेकिन अगर आप 2-3 दिन तक वेट करते रहे कि शायद स्वेलिंग चली जाएगी, फिर मुझे कहीं डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा, या फिर ये छोटी मोटी कोई बात है तो मैं इसको देख लूँ, ऑब्जर्व कर लूँ, तो फिर ये इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इसमें कभी कभी 5 से 10 मिनट भी लग सकते हैं और इसको रिड्यूस करना बिना एनेस्थीजा के बहुत ही पेनफुल भी हो सकता है। दोस्तों, अगर ये बहुत ज़्यादा पुराना पैराफाइमोसिस है या बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि एक इंजेक्शन लगाते हैं, इसको हम हाइलेज कहते हैं। ये एक एंजाइम का इंजेक्शन होता है जो कि स्वेलिंग को एकदम से कम कर देता है, और कभी कभार यहाँ पे 2-3 होल करके अंदर का जो पानी है जिसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं इसको भी हम निकाल सकते हैं, और फिर एक बार ये स्वेलिंग कम हो जाए तो स्किन को आगे ला सकते हैं। इसको भी हम मैनुअल रिडक्शन कहते हैं विद इंजेक्शन हाइलेज असिस्टेंस या विद पंक्चरिंग। और इसमें एक रिस्क रहता है कि छोटा मोटा इन्फेक्शन का चांस रहता है, जिसकी वजह से आपको हम एंटीबायोटिक देते हैं रिडक्शन के बाद, ताकि ये चीज़ दोबारा ना हो। और लास्टली दोस्तों, तीसरा तरीका जो मैंने बताया था आपको, जिसमें हम पूरी ही स्किन को, फोरस्किन को हटा देते हैं ताकि ये स्वेलिंग वाला पार्ट भी हट जाए और पीछे की फोरस्किन भी हट जाए, ये तब किया जाता है जब इतना पुराना पैराफाइमोसिस हो के उसको हम रिड्यूस ही नहीं कर पा रहे हो इन सब तरीकों से। और इसको करने के लिए हम लोकल एनेस्थीसिया का इस्तेमाल करते हैं। सर्कमसीजन कैसे होता है, उसका पूरी विधि क्या है, किस किस तरह से इसको किया जा सकता है, उस सब के लिए अलग वीडियो है, इसको आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में कहना ही चाहूँगा कि अगर आप अपनी स्किन को पीछे करके छोड़ देते हैं और आपकी स्किन थोड़ी टाइट है, जिसको हम फाइमोसिस कहते हैं, तो इससे एक बहुत सीवियर प्रॉब्लम हो सकती है जिसको हम पैराफाइमोसिस कहते हैं, जिसमें आपके स्किन के ऊपर पूरी स्वेलिंग आ सकती है। फोरस्किन पीछे जाने के बाद ग्लैंड्स का हिस्सा आगे रह जाता है और पीछे का हिस्सा पूरा सूज जाता है, और ये काफ़ी पेनफुल कंडीशन होती है। इसके लिए आपको तुरंत यूरोलॉजिस्ट को दिखाना है जो इसको रिड्यूस करेंगे, या तो मैनुअली हाथ से ही, या एक जेली का इस्तेमाल करके, या फिर कुछ पंक्चर करके, या इंजेक्शन हाइलेज लगा के। और अगर ये उसके बाद भी ठीक नहीं हो रहा हो या उनको दिक्कत हो रही हो उसको रिड्यूस करने में, तो इसमें सर्कमसीजन की ज़रूरत पड़ती है। ये इमरजेंसी इसलिए है क्योंकि ये बहुत पेनफुल है, और इसको ऐसे छोड़ दें तो काफ़ी बार ब्लड सप्लाई के ख़राब होने से लिंग को काफ़ी सीवियर हानि भी हो सकती है।